मेरी आंखों में आंसू आ गए जब मैंने अरविंद केजरीवाल जी को मैं मिलने के लिए टाइम, मैं मुख्यमंत्री हूँ, वो भी मुख्यमंत्री है, लेकिन शीशा, एक शीशा सामने डाला हुआ था, हम फोन पे बात कर रहे थे। यार ऐसे तो आतंकवादियों से भी बात होती होगी, क्या क्या गलत कर दिया उसने? उसने उसने दिल्ली में अस्पताल बना दिए, ये गलती होगी उससे। उसने दिल्ली में सरकारी स्कूलों को अच्छा कर दिया, ये गलती होगी उससे। उसने दिल्ली में महिलाओं के लिए यात्रा फ्री कर दी बसों में, ये गलती होगी उससे। उसने दिल्ली में बिजली के बिल जीरो कर दिए, ये गलती होगी उससे। यही गलती है बस अरविंद केजरीवाल की, आतंकवादियों की तरह उसको ट्रीट कर रहे हो आप। हद है यार, सिटिंग मुख्यमंत्री है और मुलाकात ऐसे कराते हो जैसे किसी बहुत बड़े आतंकवादी के साथ मिलने आए हो कोई। मैं भी मुख्यमंत्री, वो भी मुख्यमंत्री, ये गलत फहमी में है, ये सत्ता वाले गलत फहमी में है कि एक ही पार्टी है जो हमको हरा सकती है, उसका नाम है आम आदमी पार्टी। उसके प्रधान को अंदर करके आप रोक लोगे? दरियाओं को रोका नहीं जा सकता, दरिया अपना रास्ता खुद बनाते हैं भाई साहब। मैं कहूंगा जेल के ताले टूटेंगे, आपने कहना है केजरीवाल छूटेंगे। जेल के ताले टूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे। मैं तो यही कहूंगा कि हम वो पत्ते नहीं, ये आप लोग सब पत्ते हैं, हम वो पत्ते नहीं, हम वो पत्ते नहीं जो शाख से टूट कर गिर जाएंगे। आंधियों को कह दो अपनी औकात में रहे। कोई बात नहीं भाई साहब, संकट के दिन है, हमको सबको केजरीवाल बनना पड़ेगा। यही मैसेज दिया कल उन्होंने अरविंद जी ने कि गुजरात वालों को कहना सारे केजरीवाल बन जाओ, सारे सच बोलने लगो, सारे सच के साथ हो जाओ। यही मैसेज है उनका। लोगों को अक्सर कहते सुना है कि जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, लेकिन इस दिल ने कहा है मिलते रहे तो जिंदा रहेंगे।